दोस्तों सावन का शुभ महीना 14 जुलाई 2022 गुरुवार से जो है वो शुरू हो चुका है, जिसको हम श्रावण माह भी कहते हैं। इस माह में भगवान शिव, माता पार्वती और नागदेव की पूजा का खास प्रचलन है। साथ ही यदि संपूर्ण माह व्रत नहीं रखें तो सिर्फ सोमवार के दिन ही व्रत रखे जाते हैं इस पवित्र माह में। आइए आज आपको बताते हैं कि सावन महीने में कौन से 11 कार्य, कौन से 11 काम भूलकर भी आप लोगों को नहीं करने हैं। ये आप अगर कोई मेरी माता ये वीडियो देख रही हैं, कोई पिता ये वीडियो देख रहे हैं, कोई मेरे भाई ये वीडियो देख रही हैं, कोई मेरी बहन ये वीडियो देख रही है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुने। आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, ये वीडियो ज़रूर दिखाएं कि क्या ऐसे काम हैं जो आपको 11 काम नहीं करने चाहिए। बहुत ही मैं आपसे कम समय लूँगा, लगभग एक मिनट के अंदर मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। बहुत ध्यान से सुने, मेरी माताएँ, बहनें, भाई, पिता सब सुने और अपने परिवार में ज़रूर ये आगे सबको बताएं। देखिए, सबसे पहला भोजन, श्रावण में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक साग इत्यादि तेल या मसाले भोजन, लहसुन प्याज, मच्छी और मांसाहार, मूली, बैंगन, गुड़, कोई भी मीठी या ज़्यादा खट्टी चीज़, नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, कढ़ी, शहद और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। दूध से तो बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वजह बता देता हूँ, इस समय गौ माता जो भी है, गाय चरती हैं, बारिश होती है तो इस समय कीड़े ज़्यादा होते हैं, तो उनके जो दूध में प्रोटीन, आप दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट ले लें, दही, दूध, पनीर, कुछ भी, मावे वावे कुछ भी, तो उनमें जब वो गलती से उनके शरीर के अंदर, क्योंकि गाय चरने के लिए बनी है, गाय चरती है तो कीड़े होते हैं घास में, इस समय सबसे ज़्यादा कीड़े होते हैं, इस वजह से हम जो दूध है, जो पैदावार होती है, ये कहा जाता है कि इसी वजह से, साइंटिफिक रीज़न के, हम शिव जी को अर्पण करते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ में कुछ भी टटपूंजी या कुछ भी उल जलूल बात करते हैं कि दूध जो है शिव जी पे ना चढ़ाएं, आप गरीबों में दे दें, तो गरीबों के लिए हम हिंदू लोग भंडारा करवाते रहते हैं। आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि इन सभी चीज़ों का अगर आप, वस्तुओं को आप उपयोग करेंगे तो ये सभी आप में रोग पैदा करेंगी। भोजन कांसे के बर्तन जो है, बर्तन में नहीं करना चाहिए इस्तेमाल इस समय, कांसे का जो भी बर्तन है इस समय ना इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, पहली चीज़ बता दी, सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा सुपारी करते हैं तो वह गलत है, जैसे कि पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का नशा आपको नहीं करना है। तीसरा मैं आपको बहुत जल्दी बताता हूँ, ब्रह्मचर्य, सावन के माह में यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग, किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हैं, आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है अगर इस चीज़ में कर सकते हैं। तो चौथी चीज़ बताता हूँ, सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, हो सके तो भूमि का जो है वो शयन करना चाहिए, थोड़ी ऊँचाई पर भी आप कर सकते हैं, गद्दा नहीं मतलब थोड़ा जो तफ सतह होती है उस पर आप ले सकते हैं। सावन माह में सुबह देर से उठना और देर रात तक जागना भी नुकसानदेह हो सकता है, दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। पांचवा आपको बताता हूँ, शरीर में तेल लगाना, सावन माह में शरीर पर तेल लगाने की बिल्कुल मनाही है। छठा, सावन माह में प्रतिदिन आपको स्नान करना चाहिए, स्नान नहीं करने से शरीर जल्द ही रोगग्रस्त हो सकता है। सातवां, मांगलिक कार्य, सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि विवाह संस्कार, जात कर्म, गृह प्रवेश आदि। आठवां, शिव पूजा, सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी फूल या तुलसी अर्पित करना, शिव के समक्ष तालियां, शंख बजाना ये नहीं करने चाहिए। तुलसी जी तो वैसे भी आपको सावन नहीं, वैसे भी नहीं आपको चढ़ानी चाहिए तुलसा जी शिव जी के ऊपर। आगे आपको बताता हूँ, नौवां, अतिथि, सावन माह में यदि आपके द्वार पर कोई भी आए, जैसी गाय, बैल, भिक्षु आदि, वह सभी अतिथि होते हैं, इन्हें भगाना नहीं चाहिए, इन्हें भोज करें, आटा खिलाएं, रोटी खिलाएं। हिंदू लोग तो पहले ही, पर आजकल के हम ज़माने में देख रहे हैं कि रात की बासी रोटी गाय को खिलाई जाती है, जबकि अब से पहले सुबह आपके घर में अगर कोई चपाती, एक रोटी बनती थी तो उसमें घी, चीनी डाल के, गुड़ डाल के वो गाय के लिए रखी जाती थी। ये अब हम थोड़ा सा
इस चीज से भटक गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो भी आपके दर पर दरवाजे पर आए उसको आप कुछ ना कुछ जरूर दें। दसवां अपमान, सावन माह में किसी का भी अपमान बिल्कुल ना करें, खासकर देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान। इस माह किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चींटी भी आपको दिख रही है, उससे बचकर चलना चाहिए, कोशिश तो कर सकते हैं बस। ग्यारहवां केश कर्तन, इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाने चाहिए, नाखूनों को भी नहीं काटना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 11 चीज़ें बता दी। मेरी माताएं, बहनें, भाइयों, बंधुओं से सबसे निवेदन है, इस चीज़ को अपने परिवार में आप लाएं, अपने परिवार में डेली की जो मैंने आपको चीज़ें बताई है करें। ये बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योगी पुरुष ये चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें मैंने आप तक बहुत छोटे स्वरूप में बता दी, छोटे रूप में बता दी, इनको इस्तेमाल ज़रूर करें, ये सारी चीज़ें करें। देश हित वीडियो है, इसको शेयर ज़रूर करना है आपको, अपने घर परिवार यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं था पंडित ध्रुव शर्मा, आपका स्वागत है हॉफकिट न्यूज़ में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।